लगता है इस बार बारिश का पानी प्रशासन के निर्माण कार्यों में हुई लापरवाही की पोल खोलकर ही रहेगा। गांव में 14 लाख रुपए की लागत से बना तालाब पहली बारिश में ही बह गया। तालाब बनाने में हुई अपनी इस लापरवाही पर लीपापोती करने के लिए अधिकारी जेसीबी लेकर पहुंचे। डिंडोरी में निर्माण कार्यों में कितनी लापरवाही की गई है उसकी असलियत सबके सामने आ गई है। मनरेगा योजना के अंतर्गत गर्मी में लगभग 14 लाख रुपए की लागत से बना तालाब पहली बरसात में ही फूट गया। ग्रामीण जमादार सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत ने ठीक ढंग से तालाब का निर्माण नहीं करवाया, जिसकी वजह से पहली ही बारिश में तालाब बह गया है। मजदूरों की बजाय मशीनों से काम करवाया गया है। वहीं पंचायत के सरपंच कीर्तन सिंह मरावी का कहना है कि निर्माण कार्य सही तरीके से कराया गया है, लेकिन बारिश के आगे किसका जोर चलता है। पहले इतना अच्छा बना था, क्या बताऊं, पूरे स्टाफ आता था, हमेशा आते जाते देखते, पानी साल वर्षा भी इतना अधिक हो गया, एकदम बैठ नहीं पाए, जम नहीं पाए। ऐसा ग्राम पथरिया में अमृत सरोवर तालाब जो बना वो दो तीन दिन की बारिश में फूट गया, फूट गया। हाँ, अब नहर से पानी जाता तो काम नहीं कर। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।